होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी बज रहा है दिन का 12:30, तो इसलिए मैं गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ। और आज सुबह से ना व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज लेट लेट ही मतलब काम कुम करती रही मैं, लेट हो गया ज़्यादा ही व्लॉग स्टार्ट करने में। शिवा की नहाई नहाई करी, खुद नहाया, खाना नाश्ता वगैरह ना, तो सफाई वगैरह, तो इसलिए मैंने सोचा बाद में व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, फटाफट काम निपटा देती हूँ। तो यही था अभी का हमारा अपडेट। शिवा ना गया तो शिवा सोने की तैयार, ओ भूख लग गई इसको की। सब्जी तो मैंने बना ली थी, और ये है आलू टमाटर की सब्जी। शिवा बोल रहा है ये, तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो शिवा ने उसके बाद ही बोल दिया था कि मेरे को दे दे, देखो कपड़ों में भी गिरा दिया। बोल रहा मैं खुद से ही खाऊंगा, खुद खा रहा मेरे हाथ से ना, लड़ लड़ के ना चम्मच भी ले ली, खुद से खा रहा, यहाँ भी गिरा दिया कपड़ों में। शिवा सो गया है, लगभग 1:15 हो गया। सो हे गाइस, अभी मैं घर पे, अभी बज रहे हैं दिन के 2, देखता हूँ क्या कर रहे हैं दोनों। अच्छा शिवा तो यहाँ पे रखा है सो, और ये क्या बना रखा है, क्या बनाया? तो अभी खाता हूँ खाना, खाने में आलू की सब्जी, थोड़ी तरी तरी वाली रस्से वाली रोटी, और शिवा भी अभी उठ गया था ये। तो अभी मैं तो जा रहा हूँ शॉप पे, करीबन 3:30 बज रहे हैं। शिवू ये भी बाहर आ गया ना मेरे साथ, बाय शिवू, बाय। वहाँ बोल रहा हूँ ऊपर जाने को, क्यों भाई? तो अभी मैं ना छत पे आई हूँ शिवा को लेके, शिवा का हाथ पकड़ा हुआ मैंने। और पता है ये सागर गए ना जब, तो शिवा ने ना जब चले गए थे तो हम भारी पे थे, तो बहुत रोना धोना करा इसने, और बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा था। तो मैं इसको लेके आ गई, मैंने कहा एक राउंड घुमा के लिए आती हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद ना छत पे, मतलब ऐसे अच्छा लग रहा। शिवा जय कर दो। शिवा ना यहाँ पर एक झंडा लगाया हुआ है ना, मतलब माता जी का, तो शिवा ना हमेशा यहाँ पे आके हाथ जोड़ता है। क्या कर रहे हो आप है शिवा? अभी भी हम दोनों घूम ही रहे हैं ऐसे, शिवा का हाथ पकड़ के घुमा रहे। ओय 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 ओय। और काफी दिनों के बाद ना सूर्य भगवान जी के मतलब हमको दर्शन हो रहे हैं शाम के टाइम पे। तो शिवा ना जय कर रहा, इसकी ना आदत ऐसी ना, मैंने इसको सिखाया हुआ है कि सूर्य भगवान जी को जय करते हैं ना शिव, तो जय करने लग जाता है। तो अभी 5 बज रहा है, तो अभी धुले मैंने बर्तन दिन के। और शिवा क्या कर रहा है? शिवा का तो वही धंधा लगा हुआ है, वही काम है, वही है बस, इसके लिए तो सब कुछ वही है। और ये कपड़ों की तह लगानी है मुझे, इतने कपड़े धुले हुए थे। ये बर्तन सोच रहा हाथ पोंछ ले, मम्मी ने सुखा दी अपने हाथ, रख दो वहीं। मैं रख दूंगी। मैंने बोला ना कि मैंने अभी बर्तन बर्तन धुले, तो शिवा ना टावल लेके आ गया, लेकिन मैंने हाथ ना पहले साफ कर लिए थे। हो गए हैं मम्मा के हाथ, हो गए साफ, हो गए ठीक है। तो शिवा को कपड़े कपड़े पहना दिए थे ढंग से, शूज तो इसके यहाँ आजकल ना इसने अलग ही वो सीखा हुआ है कि अपने शूज ना बेड के ऊपर रखने का, कभी बाहर वाले बेड के ऊपर रख लेगा, कभी यहाँ रख लेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉर्नफ्लैक्स, तो थोड़ा इसको ना पानी के साथ पका लूँगी, तब सही सा रहता है। इसको ना अच्छे से पका लूँगी, फिर डालूँगी इसमें दूध। शिवा क्या कर रहा? शिवा के तो 2 हथियार, एक ड्रायर और एक कड़छी है। तो दूध डाल दिया है इसमें, तो इसके साथ भी इसको अच्छे से पकने दूंगी।
और ये देख रहे ड्रायर भी, ड्रायर को भी घोड़े की सवारी करी जा रही है और आजकल घोड़ा ऐसे चलाया जा रहा है ये। तो मैं खा रही हूँ यहाँ पे और शिवा को देखो वहाँ बैठा हुआ है। इसको मैंने पहले खिला दिया था लेकिन ना इसको ना अब वो करना है, खेल करना है, तो इसलिए मैंने ना इसको दे दिया था, नहीं तो इस पर वो करने लग गया था वो, अब मांगने आ गया मेरे से, फिर ही हो गया इसको। नहीं नहीं ये देखो चम्मच, नहीं बेटा खा लिया आपने, अरे वाह खूँ की खा लिया, वहाँ रखना है अब, कोई बात थोड़ी देर में रखेंगे वहाँ ना, उसमें डालना है कि सिंक में बर्तन। शिवा 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 बहुत जिद्दी बन गया ना तू, इतना वो बन गया ना गुस्सेल बाज, इसने इतने जोर की करछी मारी ना मेरे पे, क्योंकि मैंने इसको ना ये नहीं दिया ये कटोरा जिसमें मतलब मैं खा रही थी कॉर्नफ्लैक्स। हैं ऐसे करते हैं बेटुआ, उसको ना वहाँ रखना चाह रहा, कढ़ाई ना गिर जाए तेरे सिर पे, वो ही गिर गया खुद। चलो दलाओ मम्मा रखेगी, दो दो मम्मा रखेगी, क्या रखना भी तो खुद है, हाथ पे लगे अब फू मारू, अच्छा ले हो गया सही, हाथ पे इसके चोट चोट लग जाते ना तो फूक मारनी पड़ती है, सही हो जाता तब। क्या कर रहे हो, क्या कर रहा, दूध पिया और क्या करा, मम्मा को पाली कर दो, पाली कर दो, पाली कर दो। मेरा बच्चा कौन है, कौन है शिवा, मम्मा बोलो मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा, आ क्या हुआ मम्मा, वाह वहां कहाँ जाना, कड़े बात पूछी कर दो, मम्मा को मिली कर दो, पाली कर दो, चलो पाली कर दो, कुछ नहीं करता है गंदा। तो अभी 6:30 हो गया है, ठीक 6:30 हो रहा है और अभी हम दोनों फिर बिस्तर से उठ गए। तो आज के सर्दियों में तो यही होता है कि थोड़ा काम कर लो फिर बेड पे चले जाओ, फिर थोड़ा काम कर लो फिर बेड पे चले जाओ। तो 6:30 हो गया है तो इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने गूंद दिया है आटा और इसमें मूंग की दाल बनाऊंगी आज, लहसुन प्याज और टमाटर निकाल दिए हैं तो ये करना है मुझे, काटना छिलना वगैरह। अच्छी वाला गवा है यहाँ पे अपने काम पे, नहीं चाकू नहीं लेते आप, ये यहाँ पर रख देती हूँ, तो इन बर्तनों को लगाती हूँ। अभी मैंने सामान पैक करा, ये मतलब कोई धुलने वाले कपड़े, कोई पहनने वाले कपड़े कल सुबह के लिए, क्योंकि कल तो हम बड़ी मम्मी के वहाँ जाएंगे, कल वैसे भी संडे है और शिवा तो ऐसे काम करते, तो इसलिए मैं धुले मतलब धुलने वाले कपड़े भी ले जा देती हूँ वहाँ। तो आज खाने में बनाई है मूंग दाल और ये आज मैं शिवा की उससे बता रही हूँ आपको, है ना शिवा। अब मैं खिला रही थी इसको रोटी के साथ ना मैश करके और इसने खुद ही खाने लग गया ना, मैं नहीं खा रही, मेरे को बोला लो खुद खा लो, देखते इसके काम, नहीं मैं नहीं खा रही बेटा आप खाओ। तो अभी लगभग 9:15 बज रहा और शिवा ना सो गया है, तो मैंने सिर्फ इसके लिए रोटी बनाई थी एक रोटी, और अभी मैंने अभी मतलब अपने लिए सागर के लिए रोटी नहीं बनाई है क्योंकि मुझे लग रहा था सोएगा, क्योंकि ये जल्दी उठ गया था दिन में ना, थोड़ा सा सोया था ज़्यादा नहीं सोया, तो इसको नींद आ गई, तो इसको अच्छे से सुलाती हूँ बेड पे, तो मैं रोटियाँ बनाऊँगी अपनी और सागर की। तो किचन में आ गई हूँ, तवा गैस मतलब तवा रख लिया गैस पे, रोटी वगैरह बनाती हूँ अब, रोटी बना दी है इसमें रख ली और दाल गरम कर रही हूँ, फिर मैं खा लूँगी क्योंकि 9 तो बज गया अभी तक तो आए नहीं है, फ़ोन करूँगी, वैसे मैं खा ही लूँगी अब, भूख भी लग जाती है ना। तो शिवा सो गया ना, कितना सुनसान सा लग रहा, अजीब सा लग रहा रात को, सागर भी नहीं आए अभी तक, मतलब बेकार सा लग रहा। मैंने तो खाना खा लिया और बर्तन भी धुल दिए हैं और इनके लिए रख लिया मैंने दाल इसमें, ये इनके लिए मैंने दाल उस बर्तन में रख लिया क्योंकि मैं उसको ओवन में गर्म कर लूँगी दाल वगैरह, वैसे वो गर्म ही है अभी मैंने गर्म की थी, तो आने वाले वैसे गर्म है ही अगर ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ठंडे का मौसम है ना, जल्दी जल्दी मतलब खाना ठंडा हो जा रहा है आजकल, तो वही है तो ओवन में गर्म कर लूँगी। और ये पतीली रखी है, ये दूध लेके आएंगे उसके लिए।
ना सागर, लेट हो गया, 9:30 हो गया है। ये वो ले रहे हैं क्या, पीठ में से प्याज और आलू वगैरह बोले थे मैंने, तो आज शनिवार है, शनिवार को पीठ लगती है तो सही से मिल जाता है, तो इसलिए वही ले रहे थे, तो लेट हो रहा है इनको। आने वाले होंगे थोड़ी देर में ना, निकल ही गए थे वहां से जब फोन आया था इनका। रहेगा जब यहाँ रखा हूँ मैं बड़े मेयर के यहाँ पे। बड़े में नमस्ते, और ठीक हो? हाँ, गाड़ी लेके जाऊंगा ना अब। है तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, तो मैं गाड़ी लेने आ रखा हूँ, यहाँ बाइक यहाँ पे खड़ी करता हूँ, फिर गाड़ी लेके जाता हूँ। तो हे गाइस, अभी आ गया हूँ मैं घर पे, तो अभी इसमें से सामान वामान निकालता हूँ। मैं पीठ भी गया था, पीठ मतलब शनिवार की जो लगती है, उसमें से प्याज व्याज लेके आया हूँ। तो दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, चलो सामान निकालता हूँ अब। तो अभी आ गया हूँ मैं घर पे, ले आया मैं सामान। अभी प्याज सो गए हैं? तो ये कर रही है अभी खाना गरम और दूध बॉईल। तो अभी खाता हूँ खाना, खाने में मूंग की दाल और रोटी। तूने खा लिया? तो मैंने इनसे सामान मंगाया है ना, तो कल हमारे घर में भंडारा है, ये तो सारे आलू प्याज लेके आ रखे हैं, हैं? ये खाना खा रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे आप? तो अभी बज रहा है करीबन 10, और खाना पीना तो हो गया हमारा, ठंडा बहुत हो रहा है बाहर, अंदर भी थोड़ा हो ही रहा है, तो अब सोते हैं। शिवा तो सो गया, ये भी सो गई है, तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, बाय बाय।